भाजपा सरकार के विकास की रफ्तार धीमी नहीं हो रही है। देख रहे हैं चाहे शहर से गांव, गांव से गलियां में सड़क की योजना बहुत गुणवत्तापूर्ण बनाई जा रही है। यहां पर हम खड़े हुए हैं एकमतपुर ब्लॉक के गांव सुरैरा में, जहां दो गांवों को आने जाने के लिए लगभग 3-4 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था, हारी बीमारी में बहुत परेशानी होती थी। लेकिन एकमतपुर विधायक राम प्रताप सिंह चौहान की ये प्रयास से दोनों गाँव जुड़ गए, जहाँ गाँवों को बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पर ग्रामीणों से भी बात करते हैं कि इस पुल से उन्हें कितनी सुविधा मिलेंगी और कितनी खुशी है उन्हें, बात करते हैं जी। हाँ सुविधा साहब बहुत है, वैसा गांव के लिए हमारे के लिए बोरी थी रास्ता, अब रास्ता खूब आराम से जाती है, गाड़ी खूब पहुंच जाती है घर तक। तो विधायक जी धन्यवाद, उन्होंने काम बहुत सही किया है, आज तक हम तो बुड्ढे हो गए अभी तक कोई रास्ता का वो नहीं हुआ निर्माण। आप क्या कहना चाहते हैं विधायक जी, इस रास्ता से दोनों गाँवों की जो छोटा सुरैरा और बड़े सुरैरा दोनों गाँवों की जो दूरियाँ हैं वो बहुत ही नज़दीकियाँ बन गई हैं और इससे जो है सभी लोगों को बहुत बड़ा जो फायदा है और आम लोगों का भी जो नीचे खेती बाड़ी के वगैरह सब जो है गल्ला वल्ला ढोला ट्रैक्टर वगैरह सब चलते हैं, वो सब रास्ता इसी रास्ते के जरिए पूरे गांव वाले अपना जो फसल को ढोकर के लाते हैं। इसलिए मैं अपने माननीय विधायक जी का बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। केवल यहाँ पर पुरुष ही नहीं, विधायक जी का धन्यवाद करने के लिए कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं। महिलाओं से पूछते हैं कि इस पुल से उन्हें कितनी खुशी हो रही है और उसके लिए विधायक जी को क्या कहना चाहती हैं। और रास्ता गांव में बहुत ज्यादा खींच रहती है और माता के लिए रास्ता नहीं है, दूसरे के मकान में के रास्ता जाते हैं माता कहीं चढ़ाने के लिए। इस पुल के बारे में क्या कहना चाहती है? बहुत बढ़िया रास्ता बन गया है पर गांव में दिक्कत थोड़ी पड़ती है, खींच भरी रहती है, रास्ता नहीं है अच्छी। और पुल के बारे में विधायक जी ने बहुत बढ़िया अच्छा काम किया है। तो आपने देखा था कि महिलाएं पुरुष सभी खुश हैं इस पुल से। सुरैरा का पुल का उद्घाटन हुआ है छोटे सुरैरा से बड़ा सुरैरा के लिए और साथ ही अप्रोच रोड भी बनी है। 1,28,00,000 रुपए से इसका निर्माण हुआ और लोक निर्माण विभाग के द्वारा इसका काम किया गया है, इसका शिलान्यास हुआ था। और आपने देखा होगा कि यहाँ क्या स्थिति थी, इधर से गांव को उधर जाने के लिए 3-4 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था, लेकिन अब गांव का संपर्क इससे न केवल संपर्क बना है, आपसी प्रेम भी ज़्यादा बढ़ेगा कि किसी के भी सुख दुख में तुरंत आदमी बगल से बगल पहुंच जाया करेगा। उसका निर्माण हुआ है और ऐसे भी एक पुल का अभी निर्माण कार्य चल रहा है, छत्तीसगढ़ी से निकला गोवर्धन पुल चल रहा है। पुल को भी हम लोग एक और अभी खेड़ी पर एक पुल है उसको भी प्रस्ताव माता मंदिर चला गया, माता मंदिर वाला वो भी लगता है कि जल्दी सेंक्शन होगा। एक पुल अभी यमुना पे नगला चतरा से लेके और सिकंदरपुर के लिए बन गया, दूसरे पुल का भी प्रस्ताव उसका उसके लिए टेंडर हो गया है और दूसरे पुल के भी प्रस्ताव हमने बिजौली से लेके और भैरव तक के लिए कर दिया है, वो भी यहाँ से शासन में लगा है, उसको भी हम लोग जल्दी कराने का प्रयास करेंगे। और जगह जगह सड़कों पर यहाँ बगल में जो सीधे हाथ पर सड़क देख रहे हैं कच्ची, ये भी सोमपाल की ठार तक इसका भी पैसा आ गया है, अब टेंडर में लग जाएगी। और ऐसी अनेक सड़क आई हैं अभी एक बड़ा स्वरूप से और टेऊ तक की एक समाई वाली वो भी आ गई है, समाई वाली सड़क वो भी आ गई है और ऐसे ही एक गुवार पे भी आई वो हम इसके बाद। हाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी, योगी जी जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और केशव मौर्य जी हमारे उप मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने लगातार सड़कों का जाल रहे लोगों को आसानी से जा सके उसका प्रयास किया है और उसी क्रम में एहतमपुर से लेके और आवलखेड़े तक चौड़ीकरण और शुद्धिकरण होगा, PMGSY से एहतमपुर से और भरन तक का होगा। वो अभी टेंडर लगने के बाद इसलिए रुक गया है कि कोई FDI टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से वो लोग बनाएंगे, तो उससे दूसरा भरन से लेके और आवलखेड़े तक का वो PWD का उसका टेंडर हो गया है, तो उन सड़कों का भी कोई भी सड़क जो कुछ सड़क मुझे लगता है 95-98% सड़कें ठीक हो गई, 1% सड़कें रही भी हैं उसका भी जो गड्ढे होंगे या नवीनीकरण होगा और जो नवनिर्माण के भी काम हैं वो भी होंगे। अभी 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 इसी समय उदयपुर से बांस केसों तक की सड़क का
हो रही है, कंप्लीट हो गई है। नगला सीसी की सीसी कंप्लीट हो गई है। अभी मैं पीडब्ल्यूडी के काम बता रहा हूँ, और माचगढ़ वाली और अभी नगला इस पे गड़ी भंडार उदयपुर और हरण, ये भी सीसी स्वीकृत हो गई है और ये भी जल्दी होंगी। साथ ही साथ अभी सेवना पे काम चल ही रहा है, वो भी पीडब्ल्यूडी के काम है। उसमें चर्चा करेगा ना तो सुबह से शाम हो जाएगी, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि अभी हम लोगों ने कल परसों भी 21 करोड़ रुपए के काम के जो पर्यटन विभाग के द्वारा और एडीए जो कार्यदायी संस्था उसका भी मैंने निरीक्षण किया है, तो मुझे कहने में नहीं कि पिछली सरकारों की तुलना में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। अगर पूरी विधानसभा का आप काम देखेंगे तो लगभग 400 करोड़ रुपये से काम हुआ है। इसमें केंद्र का भी सहयोग है, बाकी प्रदेश सरकार के माध्यम से सारे काम हुए हैं। पानी की भी आपको पता है कि पानी की जहाँ दिक्कतें थी वो भी दूर की जा रही हैं। कड़ुआ पानी पिपरिया का था वो खत्म हो गई, वहाँ की दिक्कत है। आरओ का पानी लोग पी रहे हैं। इससे भरे में और भी आगे 9 गांव और आए हैं जो 18 करोड़ से, जो गाँव खराब थे जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो सफ़ेद हाथी इसलिए सरकारों के टाइम पर बने थे, वो सब उस पर काम हो रहा है। उसको जो भी उसमें कमियां दूर करी जाएंगी। पिछली सरकारों के पाप को धोने में समय लगा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की योगी की सरकार, मोदी की सरकार में जो काम होगा पूर्ण होगा, गुणवत्ता अच्छी होगी और कोई काम अधूरा नहीं रहेगा। और अगर कोई गलत काम होता है जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अभी अभी कई काम हम लोगों ने स्वीकृत करा लिए, लेकिन इस समय भी 20 करोड़ रुपए का काम अभी शासन में लंबित है। वो भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इस बजट सत्र के बाद और हम लोग को उसमें भी सफलता मिले। तो मेरा यही सपना है कि हर घर में, लेकिन आपको बताएं कि पिछले साल विधायक की निधि ना होने के बाद ये इतने काम हो रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से अपनी सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा, मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम अन्य मंत्रीगण जैसे संबंधित विभाग के, और अपने अधिकारियों को भी देना चाहूँगा। इसमें पीडब्ल्यूडी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है चंदमागपुर के विकास के लिए, उन अधिकारियों को भी सबको, ये गुप्ता जी हमारे जो यहाँ इंजीनियर हैं वो लगातार ये भी देखते हैं, अन्य इंजीनियर भी सब